मेहनत बोले तो हमारे लिए 25 दिन किस तरह से चला गया हमको समझ नहीं आया, लेकिन जो 9 दिन में जो हमको आनंद मिला वो 25 दिन का थकान पूरी तरह से हमारी खत्म। जिले का ये ऐसा आयोजन है कि जिसकी कल्पना आज तक नारायणपुर जिले वासियों ने कभी नहीं किया था। गरबा जो है महिलाएं और गर्ल्स से जुड़ा होता है, तो सेफ्टी वाली बात लोगों के मन में आती है, सेफ्टी के लिए क्या कुछ अरेंजमेंट? हमें बहुत कुछ सीख मिला और हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम करा है। आने वाला सालों में इससे बहुत अच्छा लोकल जो टैलेंट है उनको भी सामने लाया जाएगा। लोग ऐसा कह रहे हैं कि गुजरात नारायणपुर में आ गया है क्योंकि गरबे को लोग गुजरात के नाम से। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर। बस्तर वार्ता देखना शुरू कर चुके हैं आप। नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। इस बार नारायणपुर में महिला शक्तियों का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। महिला मंडल समिति के द्वारा इस बार नारायणपुर में गरबा का आयोजन किया जा रहा है। नारायणपुर में इस बार गरबे को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है। हमारे साथ महिला मंडल समिति के सदस्य गण, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बताइएगा, पहली बार आप लोगों के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, कैसे आइडिया है? आइडिया तो ये ऐसे था कि हम नव दुर्गा के रूप में दुर्गा शक्ति का पूजा हो रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इसको 9 दिन के रूप में परिवर्तन करके गरबे का ही आयोजन करें कि जिसमें हमारे नारी स्वरूप शक्ति भी इसमें आके अपना गरबा कर सके करके। इसी तरह हमारा आइडिया था कि हमको 9 दिन गरबा करवाना है। गरबे में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लाइट होता है, सीटिंग अरेंजमेंट होता है, साउंड सिस्टम होता है, पार्किंग व्यवस्था होता है, सारी चीज़ों को पहली दफ़े था, कैसे मैनेज किया? मैनेज करने के लिए हमारे साथ हमारी युवा शक्ति पूरे दलबल के साथ हमारे साथ जुटे हुए थे। पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग था, तो हमारे हमें कुछ परेशानी नहीं हुआ। सबके सहयोग से कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से निपटा। कितनी मेहनत लगी इस आयोजन में, कितने हुई आप लोगों की टीम है? हम लोग के लगभग 25 की टीम है। और मेहनत बोले तो हमारे लिए 25 दिन किस तरह से चला गया हमको समझ नहीं आया, लेकिन जो 9 दिन में जो हमको आनंद मिला वो 25 दिन का थकान पूरी तरह से हमारी खत्म। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। गरबा जो है महिलाएं और गर्ल्स से जुड़ा होता है, तो सेफ्टी वाली बात लोगों के मन में आती है, सेफ्टी के लिए क्या कुछ अरेंजमेंट किया? देखिए, जैसे गरबा से आप समझ सकते हैं कि वो शक्ति का पर्व है, महिलाओं का खास करके एक प्रोग्राम होता है, तो हमने महिला मंडल समिति के नेतृत्व में इस आयोजन को किया। यह एक ऐसा भव्य आयोजन था जिसकी तारीफ आज पूरे नगर के पूरे जिले के कोने कोने में लोग कर रहे हैं। यहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा आएगी, इसको देखते हुए हमने सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था करवाई है। पुलिस विभाग के जवान ने यहाँ पे पूरी गरबा कार्यक्रम खत्म होते तक यहाँ पे मौजूद रहते हैं, और अगर गरबा करते समय किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आ जाए तो उस समय के लिए हमारे जिला प्रबंधन, जिला अस्पताल की पूरी टीम यहाँ मौजूद रहती है। अगर किसी को चक्कर आ जाए या किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो तत्काल मेडिकल फैसिलिटी उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। शहरवासियों का किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिला? लोग ऐसा कह रहे हैं कि गुजरात नारायणपुर में आ गया है क्योंकि गरबे को लोग गुजरात के नाम से जानते हैं। देखिए, नारायणपुर जिले का ये ऐसा आयोजन है कि जिसकी कल्पना आज तक नारायणपुर जिले वासियों ने कभी नहीं किया था। इस आयोजन को करने से पहले हमारे मन में थोड़ा संकोच जरूर था कि पहली बार हम आयोजन कर रहे हैं तो कैसा होगा हमारा आयोजन, लेकिन नारायणपुर की जनता का जिस प्रकार से प्यार मिला है, जिस प्रकार से अपार समर्थन मिला है, ऐसा बहुमूल्य भीड़ देखने को बनता है। और ये जो कार्यक्रम है ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में नारायणपुर के इतिहास में दर्ज हो चुका है, और आने वाले समय में इसको हम ये मान चुके हैं कि इसको जितने बड़े पंडाल में भी हम किए हैं, आने वाले समय में उसको दुगुना पंडाल बनाकर करना पड़ेगा क्योंकि आम जनता काफ़ी उत्साहित है इस कार्यक्रम। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। 9 दिन प्रोग्राम चला, क्या कुछ ड्रेस कोड था, क्या कुछ थीम था? 9 दिन के लिए अलग ड्रेस कोड था। प्रत्येक दिन के लिए, जैसे आज बंगाली थीम था कल, उसके पहले अलग अलग थीम, गुजराती थीम था, एक दिन महाराष्ट्रियन थीम था। महाराष्ट्रियन थीम सबसे बड़ी बात यह है कि हम टीम के द्वारा पगड़ी की व्यवस्था की गई थी जो अलग लुक दिखाता है। कैसा एक्सपीरियंस रहा था? अगर एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, नारायणपुर में पहली बार हुआ है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि युवाओं की और महिलाओं की और नारायणपुर की बहुत अच्छी हमको क्या बोलते हैं टीम मिली, जिसके कारण यह प्रोग्राम बहुत अच्छा हो सका। आने वाले साल के लिए क्या कुछ प्लान्स? हमारे यहाँ पहला साल था, हमें बहुत कुछ सीख मिला और हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया है। आने वाला सालों में इससे बहुत अच्छा लोकल जो टैलेंट है उनको भी सामने लाया जाएगा, क्योंकि आज तक ये नारायणपुर लोगों को लोकल टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिल पाया था। गरबा के द्वारा लोगों ने अपना लोकल टैलेंट दिखाया, आने वाले समय में और बेहद स्तर पर कार्यक्रम कराया जाएगा। तो ये थे महिला मंडल आयोजन समिति के सदस्य गण, इनका कहना है कि अगली बार लोकल टैलेंट्स को और मौका देने का प्रयास रहेगा। अगर आपको लगे कि बस्तर की इस प्रकार की स्टोरी भी देखनी चाहिए तो आप बस्तर वार्ता को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे साथ कैमरामैन के रूप में आदिल जी थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।